हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज के इस वीडियो में हम फोनोमैक्स इंटरकॉम प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आप अपने डिवाइस का अगर एक्सटेंशन नंबर भूल चुके हैं तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी क्या प्रोग्रामिंग होती है। आज हम आपको उसकी प्रोग्रामिंग बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने डिवाइस का पोर्ट नंबर भूल चुके हैं तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी भी प्रोग्रामिंग हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी फोनोमैक्स इंटरकॉम की प्रोग्रामिंग अच्छे से पता लग सके, ताकि आप भी फोनोमैक्स इंटरकॉम सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग आसानी से कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी मेरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी इंटरकॉम सिस्टम की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ों का जानना सबसे ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहला होता है कि जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होता है। फोनोमैक्स के केस में क्या होता है, फोनोमैक्स का जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो हैज *1234। सबसे पहले आपको उस डिवाइस का डिफॉल्ट पासवर्ड जानना होता है। तो फोनोमैक्स का जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो हैज *1234। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो पोर्ट नंबर, आपको पोर्ट नंबर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो आती है तीसरी चीज़ वो होती है एक्सटेंशन नंबर, कि आप पोर्ट नंबर आपका कितने डिजिट से शुरू होता है, पोर्ट नंबर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से कहाँ तक आप पोर्ट नंबर दे सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक आपका पोर्ट नंबर शुरू कहाँ से होता है, इंड कहाँ तक होता है। वैसे ही अगर हम एक्सटेंशन नंबर की बात करें, जो आपका फ्लेक्सिबल नंबर होता है, आपको फ्लैट को देना होता है, वो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, कितने डिजिट का हो सकता है, ये सारी चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम फोनोमैक्स की बात करें तो उसके केस में क्या होता है, उसका पोर्ट नंबर जो होता है 100 से शुरू होता है, उसके बाद उसके आगे होता है 101, 102 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। आपका जितना रिक्वायरमेंट होता है जितने भी पोर्ट की, तो उसके हिसाब से इसका पोर्ट नंबर होता है। बट इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट जो है वो 100 से शुरू होता है, इतना आपको जहन में रखना है। उसके बाद 101, 102, 103 एंड सो ऑन। अगर हम इसके एक्सटेंशन नंबर की बात करें तो इसका एक्सटेंशन नंबर जो होता है, आप 1 से लेकर 5 डिजिट तक का कोई भी फ्लेक्सिबल नंबर आप असाइन कर सकते हैं। आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 111 भी ले सकते हैं, 111 भी ले सकते हैं, 444 भी ले सकते हैं, 555 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक का डिजिट आप कुछ भी फ्लेक्सिबल नंबर आप असाइन कर सकते हैं। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे जितना छोटा नंबर रहे तो वो आपको याद करने के लिए इजी रहेगा। तो ठीक है, वो आप प्रोग्रामिंग करते वक्त आप उस चीज़ का आपको जहन में रखना है कि प्रोग्रामिंग करते वक्त हम आपको चलिए आगे बताएंगे कि प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को जहन में रख के प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके प्रोग्रामिंग के बारे में, कि थोड़ा जो हमारे ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन जो हमारे न्यू व्यूअर हैं उनको थोड़ा हम इसके प्रोग्रामिंग के बारे में भी बता दें। फिर हम लास्ट में जानेंगे कि इसका पोर्ट नंबर अगर हम भूल जाते हैं या फिर एक्सटेंशन नंबर हम भूल चुके हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके प्रोग्रामिंग के बारे में कि अगर हमें हमारे पास एक फोनोमैक्स का नया डिवाइस है, नया सेटअप है, तो हम उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। चलिए वो हम आपको पहले बताते हैं, फिर आगे हम और भी प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो डालना होता है। तो फोनोमैक्स का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, हमने आपको बताया, हैज *1234, यहाँ 4 तक होता है। उसके बाद आपको डालना होता है 09, 09 डाल के हम जो प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंटर होते हैं, आपको डालना होता है डिफॉल्ट पासवर्ड, उसके बाद डालना होता है 09, 09। जैसे ही आप डालते हैं तो आप प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंटर कर जाते हैं। उसके बाद आपको डालना होता है स्टार, फिर उसके बाद पोर्ट नंबर। हमने आपको बताया कि इसका जो पोर्ट नंबर है 100 से शुरू होता है, तो आपको पहला पोर्ट डालना है, उसके बाद दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट, इस तरह से करके। तो आपको उसके बाद सिंपली पोर्ट नंबर डाल देना है कि कौन से पोर्ट नंबर की आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसके बाद उस पोर्ट के ऊपर आप जो नंबर देने वाले हैं, कौन सा फ्लैट नंबर, मतलब इसको एक्सटेंशन नंबर बोलते हैं, फ्लेक्सिबल नंबर, आप जो भी एक्सटेंशन नंबर उसके अंदर फ्लेक्सिबल नंबर असाइन करना चाहते हैं वो डाल दें। उसके बाद 1 से लेकर 5 डिजिट तक का, उसके बाद फिर आप स्टार डालते हैं, तो ये आपकी एक प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने हैज *1234 डाल दिया, ये इसका डिफॉल्ट पासवर्ड। उसके बाद हमको प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंटर होने के लिए 09 प्रेस करना पड़ता है, तो हम यहाँ प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंटर हो गए। उसके बाद हमें स्टार डायल करना होता है, उसके बाद पोर्ट नंबर। तो ऑब्वियसली हमने आपको बताया कि जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है इसका वो 100 से शुरू होता है, तो हम पोर्ट नंबर डाल देते हैं। उसके बाद जो हम एक्सटेंशन नंबर बेसिकली कैसे हम असाइन करते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम आपको बता दें कि एक्सटेंशन नंबर जब भी आप डालें, किसी भी फ्लैट के अंदर आप डालें, तो आपका सपोज़ेड बिल्डिंग है,
तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे 5 फ्लोर का होगा या फिर 10 फ्लोर का होगा, तो हर फ्लोर के ऊपर ऑब्वियसली एक फ्लैट होगा या दो फ्लैट होगा या तीन फ्लैट होगा। तो हम रिकमेंड करेंगे, सपोज दैट आपका पहला फ्लोर है, पहले फ्लोर के ऊपर दो फ्लैट है, तो आप पहले फ्लोर को जो नंबर देंगे, पहले फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लैट को, तो आप उसको नंबर दे दें 101। अगर दो फ्लैट है तो दूसरे फ्लैट को दे दें 102। अगर आपका और भी ज़्यादा फ्लैट है तो जितने फ्लैट हैं आप उतने बढ़ाते रहे 103। तो इससे क्या होगा, ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 2, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 3। तो इससे क्या होगा, जो आपके वॉचमैन या सिक्योरिटी या फिर नए लोग हैं उनको भी इजी होगा कि अगर वो नीचे आपके बिल्डिंग में आते हैं तो आपके वॉचमैन केबिन के पास से वो आपको फ़ोन कर सके, आपसे कम्युनिकेट करके पहले कंफर्म कर ले कि आपके पास ही आ रहे हैं क्या है, या फिर आपका कुछ कुरियर आता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको आसानी से लोगों को इंटरकॉम का जो आपका इंस्ट्रूमेंट का जो नंबर असाइन किया हो उसकी प्रॉब्लम ना हो, और इवन कि आपको भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी कॉल करना रहे किसी फ्लैट में, तो आप उनके फ्लैट के नंबर के अकॉर्डिंग आप उनको कॉल कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर का 2 से शुरू करना है, उसके ऊपर जितना फ्लैट है, एक फ्लैट है तो 201, अगर उससे ज़्यादा फ्लैट है, दो फ्लैट है तो 202 सेकंड फ्लैट का, अगर और भी है तो 203, इस तरह से करके आप आगे बढ़ते रहें। अगर और भी ज़्यादा है तो 204 आप दे सकते हैं। फिर थर्ड की अगर बात करें तो 301 से आप शुरू करें, 302, जितना फ्लैट है उस फ्लोर के ऊपर आप उस तरह से नंबर असाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फ्लोर वाइज आपको समझ में आ गया कि आप इस तरह से नंबर असाइन कर लेंगे। बट लेकिन जब अब बात आती है सिक्योरिटी है आपके पास, फिर अगर आपके अंदर लिफ्ट है तो उनको क्या नंबर देना होता है, तो बेसिकली मोस्टली जो ज़्यादातर हम लोग नंबर असाइन करते हैं वो 99 सिक्योरिटी के लिए करते हैं, या फिर आप 100 नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी 100 पोर्ट है। ये जितने भी सारे नंबर हैं वो आप उतने सारे नंबर जो पोर्ट सेम नंबर आप नहीं ले सकते हैं, ये जैसे 100 पोर्ट नंबर है तो सामने वाले को भी सेम नहीं ले सकते हैं 100, आपको कुछ डिफरेंट डालना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग मोस्टली 99, 98 वगैरह नंबर लेते हैं, तो यही सब नंबर ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप सिक्योरिटी के लिए 98 यूज़ कर लें, अगर आपका लिफ्ट है तो 98 यूज़ कर लें, 95 यूज़ कर लें, 91 यूज़ कर लें, तो इस तरह से करके आप लिफ्ट के अंदर या फिर सिक्योरिटी के अंदर मोस्टली हम लोग 99 देते हैं, तो सब लोगों को पता होता है कि अच्छा सिक्योरिटी का है तो वो 99 ही होगा नंबर। तो इस तरह से करके हम लोग करते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरा नंबर असाइन करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 100 पहले पोर्ट को जो हमने नंबर असाइन किया है वो 99, ये हमारा है सिक्योरिटी का नंबर। हम आपको भी रिकमेंड करेंगे जो पहला पोर्ट होता है वो नंबर आप सिक्योरिटी को असाइन करें, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर प्रोग्रामिंग होती है वो पहले पोर्ट से होती है। तो सपोज दैट अगर आप ये पहले पोर्ट के ऊपर अगर किसी फ्लैट का नंबर अगर आपने असाइन कर दिया है तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर उनको क्या है फ्लैट के अंदर बार बार जाके फिर वो चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो पहला पोर्ट होता है वो सिक्योरिटी का पोर्ट रखें, या फिर उसके बाद अगर लिफ्ट वगैरह है आउटसाइड का वो रख लें, उसके बाद आप फ्लैट से शुरू करें। तो हमने जो पहला नंबर दिया है वो सिक्योरिटी को असाइन किया है, तो ये आपकी हो गई पहले पोर्ट की प्रोग्रामिंग हो गई। उसके बाद फिर दूसरे पोर्ट की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको फिर से ये पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड और ये प्रोग्रामिंग मोड के अंदर सिर्फ इसको वन टाइम डालना होता है। उसके बाद दूसरे पोर्ट की प्रोग्रामिंग करने के लिए सिंपली आपको स्टार करना है प्रेस, उसके बाद अगला पोर्ट नंबर 100 के बाद अगला पोर्ट नंबर है 101। अब ये 101 के ऊपर आप जो भी पोर्ट नंबर डालना चाहते हैं, अभी जैसे सपोज दैट आपके बिल्डिंग के अंदर कोई लिफ्ट है या मेरे बिल्डिंग के अंदर कोई लिफ्ट है, हमने उसको डाला है 98 नंबर, तो ये हमने 98, फिर जैसे ही आप स्टार करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद फिर अगले पोर्ट के लिए फिर सिंपली आपको स्टार प्रेस करना है, फिर अगला पोर्ट नंबर, फिर यहाँ से हमने जो शुरू किया है अपने बिल्डिंग का फ्लैट नंबर शुरू किया है, हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरे फ्लैट में हर फ्लोर के ऊपर एक फ्लैट है तो हमने 101 डाला, फिर स्टार किया, ये प्रोग्रामिंग डन। फिर उसके बाद अगले के लिए स्टार, नेक्स्ट पोर्ट नंबर, फिर मेरा सेकेंड फ्लोर के ऊपर एक ही फ्लैट है तो हमने 201 लिया है, और फिर स्टार, प्रोग्रामिंग कंप्लीट। फिर इसी तरीके से स्टार, नेक्स्ट पोर्ट नंबर, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन नंबर, मेरा थर्ड फ्लोर का 301, स्टार, प्रोग्रामिंग डन। तो इस तरह से करके आप बड़े से बड़ा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जब आपकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फ्लैश बटन एक दिया होता है, तो आपको सिंपली फ्लैश बटन को 2 times प्रेस कर देना होता है। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग फिनिश हो जाती है पूरा, तो आप फ्लैश बटन को 2 मरतबा आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि 00, जैसे अभी आपने प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंटर करने के लिए 09 प्रेस किया था, तो वैसे ही ऑब्वियसली आपको प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आना है क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए आपको 00 आपको प्रेस करना होता है, तो क्या फाइनली प्रोग्रामिंग मोड के आप बाहर आ जाते हैं और आपकी वो प्रोग्रामिंग सेव हो जाती है।
तो इस तरह से करके आप प्रोग्रामिंग कर लेकिन बट ये चीज़ ध्यान में रखना है, प्रोग्रामिंग के बाद दो मरतबा आपको फ्लैश बटन को प्रेस करना है और 00 प्रेस करके आप प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ गए। तो अब यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ गए, अगर फिर भी अगर आप कुछ आपका मिस्टेक हो गया है कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर में, जब आप बाद में चेक करते हैं कि अरे ये हमने तो इस पोर्ट नंबर को देना था कुछ और नंबर, हमने कुछ और नंबर दे दिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप फिर से वहाँ पर जाएँ। ये जो प्रोग्रामिंग होती है हमने आपको बताया, ये फर्स्ट पोर्ट से जो आपका पहला पोर्ट होता है 100, उस पोर्ट से आपको प्रोग्रामिंग करनी है, किसी भी पोर्ट से आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। जो फर्स्ट पोर्ट होता है आप डिवाइस के पास जाएं, क्रोन बॉक्स के पास जाएं, वहाँ पे जो फर्स्ट पोर्ट है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करें, फिर वहाँ पे ये पासवर्ड डालें आप *1234 प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंट्री करने के लिए 09*, जो पोर्ट नंबर की आपको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गई है वो पोर्ट नंबर डालें, फिर वहाँ पे जो भी एक्सटेंशन नंबर आप डालना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप ओवरराइट कर दें, स्टार कर दें, फिर उसके बाद फ्लैश 2 times, फिर 00 करके एग्जिट करके आप प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाएं। तो इस तरह से करके अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती हो तो आप उसको ओवरराइट कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली आगे बढ़ते हैं कि हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट्स था, वो पिछले वीडियो में उनका आया हुआ था कि सर अगर हम पोर्ट नंबर भूल जाते हैं या फिर एक्सटेंशन नंबर भूल जाते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है। बहुत टाइम क्या हो जाता है कि हमने जो एक्सटेंशन नंबर असाइन किया वो हमारी लिस्ट गुम हो चुकी है जिस लिस्ट के ऊपर हमने बनाया, तो अब हमें पता करना होता है कि यार इसका एक्सटेंशन नंबर ही नहीं पता कि हमने इसको पोर्ट नंबर के ऊपर क्या एक्सटेंशन नंबर दिया। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप अपना पोर्ट नंबर भूल जाते हैं, अगर आप अपने डिवाइस का पोर्ट नंबर भूल जाते हैं तो आपको जो आप इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइस का जिस पोर्ट का आप भूल चुके हैं तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करना है और आपको डायल करना है *#2*। जैसे ही आप *#2* करेंगे तो आपको वो पोर्ट नंबर के बारे में इंस्ट्रूमेंट से आपको बता देगा, वो पता चल जाएगा कि आपका जो वो पोर्ट नंबर क्या है उसके ऊपर कनेक्शन के ऊपर। तो आपको पोर्ट नंबर पता करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, *#2* की प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पोर्ट नंबर के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप एक्सटेंशन नंबर भूल चुके हैं, आपको पोर्ट नंबर पता है और आप एक्सटेंशन नंबर भूल चुके हैं, तो सिंपली उस इंस्ट्रूमेंट के पास आपको जाना है जो एक्सटेंशन नंबर जिसका आप भूल गए हैं, सपोज डेट किसी फ्लैट का भूल गए या सिक्योरिटी का भूल गए या लिफ्ट के अंदर आप भूल गए या फिर सपोज डेट कोई और प्रोग्रामिंग करके गया वो प्रोग्रामिंग आपको नहीं बताया, तो सिंपली उस इंस्ट्रूमेंट के पास जाना है, आपको करना है प्रोग्रामिंग *#2#, इंस्ट्रूमेंट उठाना है और *#2# करेंगे तो आपको एक्सटेंशन नंबर के बारे में पता चल जाएगा। तो बहुत ही आसान है फोनोमैक्स की प्रोग्रामिंग, तो आप इस तरह से करके आप अपने पोर्ट नंबर का और एक्सटेंशन नंबर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है कि सपोज दैट आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में के अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो ज़्यादा गलती होती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपने जितने भी प्रोग्रामिंग किया है ना सबको आप डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो वन टाइम में सबको इरेज करने के लिए क्या होता है, इरेज ऑल प्रोग्रामिंग के लिए जो हमारी जो एक प्रोग्रामिंग है वो होती है *#1234 पासवर्ड हो गया ये, और फिर *99# आप करते हैं तो आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है वो सारी प्रोग्रामिंग आपकी डिलीट हो जाती है और आपका जो मशीन है आपका डिवाइस है वो फ्रेश हो जाता है, आप उसके अंदर फिर से आप फ्रेश से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी टेंशन की बात नहीं है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करने बैठे तो एकदम विदाउट टेंशन फ्री होकर बैठे, गलती होगी कोई बात नहीं है, फिर से आपको पूरे को इसको डिलीट कर देना इरेज, आपका डिवाइस जो है फ्रेश हो जाएगा, नया हो जाएगा और फिर आप नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन डरने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप पूरा फाइनली प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो प्रोग्रामिंग को सेव करने के लिए लास्ट में आप ये प्रोग्रामिंग जरूर कर लें, वो क्या है *#1234*93#, तो आपकी प्रोग्रामिंग सेव हो जाती है। इससे क्या होता है कि सपोज दैट आपका पूरी इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी क्या होता है बिल्डिंग के अंदर वो कभी कभी होता है कि पूरा पावर ही चला जाता है, तो उस केस में आप जो जितने भी प्रोग्रामिंग किए होते हैं सारी प्रोग्रामिंग आपकी रिसेट हो जाती है, बट जब आप ये प्रोग्रामिंग मशीन के अंदर डिवाइस के अंदर आप डाल के रखेंगे तो फिर वो आपका क्या होगा, प्रोग्रामिंग रीसेट नहीं होगा, आपको फिर दोबारा से प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब आप पूरा प्रोग्रामिंग कर लें तो लास्ट में ये भी एक प्रोग्रामिंग डाल के उसके अंदर रख दें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। और बस आई थिंक सारी चीज़ हम आपको बता दिए इस वीडियो के अंदर। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड, इस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फोनोमैक्स की अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर हमारा मेल आईडी दिया हुआ है, आप हमें मेल लिख सकते हैं। किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है
हम बहुत ही जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने का, या फिर आप अगर हमें मेल करते हैं तो मेल का हम आपका रिप्लाई करेंगे। आप अगर हमें कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी इस तरह का वीडियो, लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।